राजधानी जयपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और चित्रकूट थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का सट्टा पकड़ा। पुलिस ने इस मामले में 3 सटोरियों को भी हिरासत में लिया और गिरफ्तार आरोपियों में शातिर सट्टा किंग दीपक माहेश्वरी और पटवारी शामिल है। साथ ही उसके 2 साथी राघव खंडेलवाल और संजय गोधा को भी पुलिस ने धर दबोचा। थानाधिकारी वीरेंद्र कुरीन के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को चित्रकूट इलाके के महादेव नगर में एक मकान में सट्टा कारोबार चलाने की सूचना बरामद हुई। इस पर पुलिस ने मकान पर दबिश दी और 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 1 दर्जन मोबाइल, सट्टा उपकरण, एलईडी टीवी, 1 टैबलेट समेत अन्य सामान भी जब्त किया है और इसके अलावा आरोपियों के पास से नकदी समेत 1 रजिस्टर और दर्जनों पर्चियां भी पुलिस ने हिरासत में ली। इसमें करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भी पुलिस ने जब्त किया है और फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर में क्राइम ब्रांच और चित्रकूट थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपए के सट्टा कारोबार का पर्दाफाश किया गया। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस को सूचना बरामद हुई थी और इसी के तहत पुलिस ने एक मकान में दबिश देकर 3 सट्टा कारोबार चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही पुलिस ने यहाँ से सट्टा उपकरण के साथ साथ करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भी जब्त किया है। लगातार पुलिस इन 3 आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है और साथ ही एक शातिर सट्टा कारोबार चलाने वाला दीपक उर्फ पटवारी भी इस पूरे मामले में शामिल था। सट्टा किंग दीपक माहेश्वरी भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र फोनलाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, जयपुर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम एक के बाद एक सट्टा कारोबारियों को धरपकड़ लगातार जारी है और इसी के तहत एक और बड़ी सफलता कह सकते हैं क्योंकि सट्टा किंग कहे जाने वाले दीपक को भी यहाँ पुलिस ने हिरासत में लिया। क्या कुछ पूरा मामला? ज्योति, बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कही जाएगी। यहाँ पर क्राइम ब्रांच की चूंकि चित्रकूट थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जैसा कि आईपीएल के जो मैच चल रहे हैं उसमें लगातार यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है जो लगातार धर पकड़ बनाए रखी हुई है और उसी के चलते यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर पुलिस ने, चित्रकूट थाना पुलिस ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सट्टा किंग है जो कि दीपक माहेश्वरी को उस पटवारी के नाम से जाना जाता है, जयपुर शहर में उसकी सट्टा किंग के नाम से काफी फेमस है, उसको यहाँ पर पुलिस ने दबोचा था। क्योंकि महादेव नगर है जो कि चित्रकूट थाना इलाके के अंदर पड़ता है, वहां पर एक मकान के अंदर सट्टे का जो कारोबार था वो चल रहा था। जब से ये आईपीएल शुरू हुआ था तब से इन लोगों ने पूरे मकान को यहाँ पर किराए पे लिया था, लेकिन यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम की जो नजर थी वो इस मकान पे पड़ी तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहाँ पर 3 आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा जो सट्टा उपकरण के जो मोबाइल है वो बरामद किए हैं, एलईडी टीवी है, 1 टैबलेट है, इसके अलावा यहाँ पर 1 रजिस्टर बरामद किया है जिसमें यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो हिसाब किताब है, इसके अलावा कुछ पर्चियां हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो भारी मात्रा में जो पर्चियां हैं वो यहाँ पर बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम की बड़ी कार्रवाई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ज्योति कहा जाएगा कि जो सट्टा किंग है जो दीपक माहेश्वरी वो काफी पेशेवर मुलजिम है, चूंकि सट्टा किंग के नाम से जाना जाता है, जयपुर शहर के अलावा अनेक राज्यों में भी इसके यहाँ पर संपर्क बने हुए, नेटवर्क बने हुए, जिसके चलते ये सट्टा के कारोबार को चलाता है यहाँ पर, और करोड़ों रुपए का जो लेन देन है वो भी ये दीपक माहेश्वरी करता है। इसके अलावा इसके जो 2 साथी थे राघव खंडेलवाल और तीसरा जो आरोपी है, 3 लोग थे ये यहाँ पर चोरी छुपे यहाँ पर पूरे सट्टे का जो कारोबार चला रहे थे। बिल्कुल जी, आज उन्होंने जिस तरह से आपने बताया कि सट्टा किंग दीपक माहेश्वरी भी अब पुलिस की गिरफ्त में है, तो पूरी उम्मीद है कि जब भी पुलिस अब पूछताछ करेगी तो और भी कई मामले पहले भी जो इन लोगों ने सट्टा कारोबार चलाया उसके भी खुलने की पूरी पूरी संभावना होगी। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे यहाँ पर ज्योति, क्योंकि यहाँ पर जो सट्टा किंग है दीपक माहेश्वरी ये काफी पेशेवर है, तो कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद ही जो इसका जो नेटवर्क है कहाँ का फैला हुआ है, जयपुर शहर के अलावा किन किन इलाकों के अंदर इसने अपना नेटवर्क फैला रखा था उससे यहाँ पर पुलिस पूछताछ करेगी। यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, उनसे यहाँ पर कड़ी पूछताछ की जा रही है कि जयपुर शहर के अंदर उन्होंने कौन कौन से इलाकों में अपने यहाँ पर फ्लैट ले रखा है, क्योंकि आईपीएल को मैच को चले हुए करीब 1 महीना हो गया है। तो यहाँ पर जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। एक बार फिर से आप सभी को बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम और चित्रकूट थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल हुई क्योंकि यहां पर सट्टा किंग के साथ साथ 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया।